हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के छोटे छोटे सेंटेंसेस की, जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, और इससे क्या है कि इंग्लिश आपके हैबिट में आती जाती है और आपकी स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती जाती है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं डेली काम में आने वाले सेंटेंसेस की ओर। हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है और इंग्लिश में उनको प्रनाउंस कैसे करते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या हुआ, दिन में 100 बार ये वर्ड यूज़ करते हैं क्या हुआ, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे व्हाट हैपेंड। कुछ नहीं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। क्या आपने मुझे बुलाया था, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे Did you call for me? Did you call for me? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था, इसको ऐसे बोलेंगे Yes, I had called you. Yes, I had called you. हम ऐसे बोलते हैं मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे May I leave? May I leave? मैं भी चलूँ, कई बार हम साथ वाले को ऐसे बोलते हैं मैं भी चलूँ, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे May I leave too? May I live to? आप कैसे हो या आपकी तबीयत कैसे है, इसके लिए हम इंग्लिश में ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। हमें कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप हम आंसर देते हैं मैं अच्छा हूँ, तो आप इसके इंग्लिश में आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिए आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। क्या बॉस अंदर हैं, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं इज बॉस इनसाइड, Is boss inside? हाँ वे अंदर हैं, Yes, he is inside. Yes, he is inside. एक काम करोगे, हम ये सेंटेंस दिन में काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं, एक काम करोगे, तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं Would you do me a favor? क्या आज छुट्टी है, क्या आज छुट्टी है, Is it a holiday today? Is it a holiday today? हाँ आज बच्चों के स्कूल बंद हैं, Yes, the children have a holiday from school today. आप परेशान हैं क्या, आप परेशान हैं क्या, Are you upset? Are you upset? ये हम दिन में बहुत बार किसी से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप upset हो क्या, तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो Are you upset? आपको मुझसे कुछ काम है, आपको मुझसे कुछ काम है, डू यू हैव सम वर्क विद मी, डू यू हैव सम वर्क विद मी। हाँ मुझे आपसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है, हाँ मुझे आपसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है, यस आई नीड टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग स्टडीज, यस आई नीड टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग स्टडीज। हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट, वेयर विल वी मीट। स्टेशन पर, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एट द स्टेशन। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तो इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे विच इज द बेस्ट होटल हियर। आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, वाई वुड यू टेक सो मच ट्रबल, वाई वुड यू टेक सो मच ट्रबल। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग ट्रबल एट ऑल। आप क्या ढूंढ रहे हैं, ये भी सेंटेंस हम दिन में बहुत बार यूज करते हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, वट आर यू लुकिंग फॉर, वट आर यू लुकिंग फॉर। मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। मैं आज की पार्टी में क्या पहनूँ, मैं आज की पार्टी में क्या पहनूँ, वट शुड आई वेयर फॉर टूडेज पार्टी, वट शुड आई वेयर फॉर टूडेज पार्टी। आप इतने गंभीर क्यों हैं, आप इतने गंभीर क्यों हैं, वाई डू यू लुक सो सीरियस, वाई डू यू लुक सो सीरियस। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये हम अक्सर सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में एक ही सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। कितना समय लगेगा, ये भी हम बहुत बार बोलते हैं दिन में, कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक। क्या कोई परेशानी है, इज समथिंग बॉदरिंग यू, इज समथिंग बॉदरिंग यू। हाँ काम की थोड़ी टेंशन है, हाँ काम की थोड़ी टेंशन है। यस देयर इज ए लिटिल टेंशन कंसर्निंग वर्क, कंसर्न वर्ड से बना हुआ है कंसर्निंग। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। ओके अलविदा लेते हैं आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।